NCERT द्वारा प्रस्तुत है संस्कृत कहानियों की श्रृंखला वातायनम। वातायनम में आज सुनते हैं ये कार्यक्रम पुनर्मूषको भव। विंध्याचल पर्वत के अंचल में एक महातपा नाम के मुनि रहते थे। उनकी साधना अपने आप में उनका परिचायक थी। ऐसे मुनि के आश्रम में अनेक जीव जंतु निवास करते थे। एक दिन महातपा मुनि बातचीत करते हुए अपने शिष्य से बोले, अरे बटुक मुनिवर, पश्य इदम् आश्रमं पश्य, अत्र किं किम् अस्ति। मुनिवर, अस्मिन् आश्रमे बहवो वृक्षाः, पशवः, पक्षिणः, आश्रमवासिनः, तपस्विनः च सन्ति। बटुक, सत्त्वप्रभावात् परस्पर विरोधिनोऽपि जीवाः अत्र परस्परं सौहार्दभावेन निर्भयं विचरन्ति। पश्य, पक्षिणः, पशवः मिलित्वा विहरन्ति। सत्त्वं किं भवति मुनिवर? बटुक, दयाभावः, परोपकारस्य च भावना सत्त्वगुणस्य प्रभावात् एव जागर्ति। मुनिवर, आम् ज्ञातं, श्रेष्ठाः जनाः दुःखितेषु स्नेह्यन्ति, तेषां दुःखं दूरीकर्तुं यत्नं कुर्वन्ति, अशिक्षितेभ्यः शिक्षां ददति। रे बटुक, त्वया तु सर्वं ज्ञातम्। मुनिवर, जनाः प्रायः असंतुष्टाः दृश्यन्ते इति अहम् अनुभवामि। बटुक, जनेषु इच्छा बलवती भवति, सा प्रतिपदं वर्धते, अतः केवलं इच्छावशीभूताः जनाः जगति निरन्तरं दुःखमग्नाः दृश्यन्ते। आश्रमः अत्र निर्भयेन निवासः करणीयः। बिडालः सुन्दरः, अयं पालनीयः। अरे, अत्र तु बिडालः समागतः, अयं मां खादिष्यति, किं करवाणि। अहो, अत्र मूषकः एनं तु अवश्यमेव खादिष्यामि। अहो, बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए झपटती है। चूहा किसी प्रकार उसके चंगुल से छूटकर मुनि के सामने गिरा। अहो, पीड़ितोऽयं मूषकः, अस्य उपचारः करणीयः। रे मूषक, धैर्यं धारय, अहं त्वां रक्षिष्यामि। मुनिवर, त्रायस्व। मूषक, त्वं कस्मात् पीडितोऽसि? मुनिवर, अहं बिडालेन पीडितोऽस्मि। एवं तु एषः बिडालः पालितं मूषकं खादिष्यति, किं करवाणि। अस्तु, एनं मूषकं बिडालमेव करोमि,
अहम् विडालं भक्षिष्यामि। वौ वौ। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना मुनि ने उस मूषक को निर्भय करने के लिए बिडाल बनाया, लेकिन उस बिडाल ने कुत्ते को देखा तो आगे क्या होता है सुनिए। मुनिवर, रक्ष माम, रक्ष माम, म्याव। आये? किम अभवत? अयम् कुक्कुरः माम हन्तुम् धावति, रक्ष माम, अस्मात् कुक्कुरात्। स्वतपो बलेन एनं बिडालं कुक्कुरम् एव करोमि, येन कुक्कुरः एनं न पीडयेत्। एनं कुक्कुरं गृहीत्वा मारयिष्यामि। अरे सिंगा, माम प्रति आगच्छति, माम हनिष्यति, किं करवाणि? किं जातं? कस्मात् भीतोऽसि? मुनिवर, व्याघ्रोऽयं माम भक्षितुम् आगच्छति, अस्मात् रक्ष माम्। एनम् अहं भक्षयिष्यामि। एवं कथयति रे व्याघ्र, क्षणं तिष्ठ। रे कुक्कुर, इदानीं त्वमपि व्याघ्रो भव। इदानीम् अहं कुक्कुरात् व्याघ्रो जातः। अरे आश्चर्यं महदाश्चर्यं, मुनिना स्वतपोबलेन मूषकः पूर्वं विडालः, ततः कुक्कुरः, इदानीं तु व्याघ्रः कृतः। यावत्पर्यन्तम् अयं मुनिः जीवति तावत्पर्यन्तं मम स्वरूपपरिवर्तनं भविष्यति, तथा च अपकीर्तिः स्थास्यति। अतः प्रथमं मुनिमेव खादिष्यामि। मुने, इदानीमहं त्वामेव खादिष्यामि। अहो, अयं दुर्बुद्धिः व्याघ्रः मया एव निर्मितः, अधुना मामेव खादितुम् आगच्छति। मूढ़, तिष्ठ, पुनर्मूषको भव। अहो, इदानीं तु अहं पुनः मूषको जातः, किं करवाणि, किं करवाणि? मुनि के ऐसा कहने पर शेर चूहा बन जाता है। प्यारे बच्चों, हमें उन्नति होने पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने वाले का पतन अवश्य होता है। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। पुनर्मूषको भव। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम
विषय संयोजन अनुसंधान एवं आलेख प्रोफेसर कृष्णचंद्र त्रिपाठी और डॉक्टर रंजीत बेहरा भाषा शिक्षा विभाग NCERT। कलाकार प्रोफेसर कृष्णचंद्र त्रिपाठी डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी धनश्री स्मृति सिंपी प्रेरणा और गिरीश त्रिपाठी ध्वनियांकन बटिलैंग लिंगडो और शानु मुक्सीम निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी और गीतिका उनियाल निर्माण निर्देशन और ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।